कोरोना भाइरस जोगु देशर लोकप्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आईपीएल बातिल हेबार आशंका देखा देछि। चलित मास 29 रु आरंभ हेबाकु थिबा आईपीएल को रद्द करिबा किंबा घुंचाई देबाकु बीसीसीआई विचार करूछि। ए संपर्कित आलोचना पई शनिवार दिन बीसीसीआई पक्षरु आईपीएल गवर्निंग बॉडी रो एक बैठक डका जायछि पदि आईपीएल अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल कहिछन्ति। महाराष्ट्र सरकार मध्य राज्य रे आईपीएल मैच को रद्द करिबाकु निष्पत्ति नेछन्ति। कोरोना भाइरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु विश्व महामारी घोषणा कराजिबा परे समग्र विश्व रे आतंक खेली जायछि। एई भाइरस एबे विश्वर 105टी देश रे पहुंचि सारिलाणी। मुंबईर कस्तूरबा हस्पिटाल दुई जन कोरोना आक्रांत चिकित्सित होती। सहर 6टी हस्पिटाल स्वतंत्र व्यवस्था हो संपर्क अधिक सूचना देखते आम मुंबई प्रतिनिधि प्रशांत पांडे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या अब 11 तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 8 पुणे, 1 नागपुर तो 2 मरीज मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल में रखे गए हैं। सभी मरीज जो है उन्हें आइसोलेटेड वार्ड में रखा गया है, समय समय पर उनका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए कि कोरोना वायरस का कहर और ज़्यादा ना फैले उसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जा रही है। कल जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए बात साफ कहा कि महाराष्ट्र में आने वाले कुछ दिनों तक जो भी भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम होंगे या जगह होंगे उन पर खास ध्यान दिया जाएगा और जो जरूरत पड़ेगी चीज़ें कोरोना वायरस को रोकने के लिए वो सारे पहल और कदम उठाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे खास बात 29 मार्च से आईपीएल शुरू होना है और जिसे लेकर ये सवाल अब खड़ा हुआ है कि आखिर वहां पर भीड़ इकट्ठा होगी तो हो सकता है कि कोरोना वायरस का कहर जो है और आगे जाकर फैले, और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने बीसीसीआई से ये बात कही है कि अगर संभव हो सके तो इस मैच को जो है बिना पब्लिक के दिखाया जाए, स्टेडियम में पब्लिक को ना बुलाया जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसकी तारीख जो है आगे की जाए, उसे पोस्टपोन किया जाए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो मौका, हर वो पहल, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे लेकर कोरोना वायरस को जो है और फैला ना जाए मुंबई और महाराष्ट्र में। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से मैंने कहा कि कस्तूरबा हॉस्पिटल के साथ साथ मुंबई में 6 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर आइसोलेटेड वार्ड बनाया गया है ताकि यहाँ पर अगर टेस्टिंग के लिए किसी मरीज को लाया जाता है और उसमें अगर पॉजिटिव चीज़ें मिलती है कोरोना वायरस को लेकर तो उसे तुरंत आइसोलेटेड वार्ड में रखा जाए और जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है जहाँ ट्रीटमेंट के लिए वो यहाँ पर पूरी की जाए। साथ ही महाराष्ट्र में तमाम अस्पताल जो इतने भी हैं वहाँ पर जो है रिजर्व बेड जो है रखे गए हैं जिन्हें आइसोलेटेड पूरी तरह से बनाया गया है। यानी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हर वो पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि कोरोना वायरस की इस कहर को और फैलने ना दिया जाए, उस पर रोक लगाया जाए। और यही एक चीज़ है कि जिसे ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि मुंबई और महाराष्ट्र में जो कार्यक्रम, जो भीड़भाड़ वाले चीज़ें हैं उन्हें अब कुछ दिनों के लिए अवॉइड किया जाए, और इसीलिए आईपीएल वाली बात को भी लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बीसीसीआई से गुजारिश की है। बहरहाल ऐसे में देखना यह होगा कि महाराष्ट्र की ये पहल कोरोना वायरस को रोकने में किस हद तक कारगर साबित होती है। कैमरामैन राजमणि पिल्ले के साथ सुशांत पांडे, न्यूज़ 18 मुंबई।